हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम 27 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान को शुरू किया है? ये किया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एमपी की सरकार के द्वारा। तो एमपी की सरकार ने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान जो है वो शुरू किया है। यह एक जागरूकता अभियान है और यह राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत कोरोना वायरस के बचाव और उपायों के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बच जाएगा। एमपी की बात करें, स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी यहाँ पर और इसकी राजधानी है भोपाल। एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं ये है शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी की भी गवर्नर है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एमपी के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। अगर हम यहाँ पर बात करें लोकसभा सीट तो 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। एमपी के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसके अंदर काफी सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ पर ये जितने भी नेशनल पार्क हैं ये सारे के सारे एमपी के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें टॉप अभियानों के बारे में, तो टॉप जो अभियान है यहाँ पर जिनमें एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया गया है एमपी के अंदर। सुपोषित मां अभियान जो है इसको राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान शुरू किया गया है 2021 के अंदर। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एन वी रमन्ना जो है ये यहां पर आपके राइट आंसर होंगे। अगर हम यहां पर बात करें 23 अप्रैल 2021 को सरल अरविंद बोबड़े जी का जो कार्यकाल है समाप्त होने के पर 24 अप्रैल 2021 को एन वी रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। केला महोत्सव यानी कि बनाना फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है डी, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहां पर। उत्तर प्रदेश के मुख्य यहां पर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर के में 4 दिवसीय बनाना फेस्टिवल जो है इसका उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव में केले से बनाए गए कपड़े, चप्पल, दरी, घर की सजावट के लिए बनाए गए सामान को प्रदर्शित किया जाएगा और यूपी का कुशीनगर केले की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है, लखनऊ में गुड़ महोत्सव है यहाँ पर, सिद्धार्थ नगर में काला नमक जो चावल महोत्सव है इसका आयोजन भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लखनऊ यहाँ पर राजधानी है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की है 404। हेरात जो त्योहार है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, मेला 2021 ये नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया था। पोंगला महोत्सव जो है केरल में आयोजित किया गया है। उद्यान महोत्सव जो है 2021 में बिहार के अंदर आयोजित किया गया है। टेहरी झील जो है यहां पर आयोजित किया गया है उत्तराखंड राज्य में। आईसीसी द्वारा जारी टी20 इंटरनेशनल महिला
बल्लेबाजी की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ये किया है शेफाली वर्मा ने। आईसीसी में T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में जारी की गई और अंतरराष्ट्रीय महिला T20 खिलाड़ियों की बल्लेबाजी की रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा अब दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई है। शेफाली वर्मा ने यह उपलब्धि भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच लखनऊ में खेले गए T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान हासिल की। शेफाली वर्मा T20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ महिला बल्लेबाज बेथ मूनी को पछाड़ कर यह स्थान हासिल किया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, मुख्यालय है इसका दुबई में और अध्यक्ष हैं ग्रेगर बार्कले और सीईओ हैं मनु साहनी। 24 मार्च 2021 को असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो असम राइफल का स्थापना दिवस मनाया गया है 86वां स्थापना दिवस है वो यहाँ पर मनाया गया है। अगर हम यहाँ पर 24 मार्च 2021 की बात करें तो 186वां असम जो राइफल है इसका यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया है 186वां। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी स्थापना 1835 को 24 मार्च को हुई थी और असम राइफल जो है इसका गठन 1835 में किया गया था कछार लेवी के नाम से। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। टॉप 5 संगठन स्थापना दिवस जो है वो यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो भारतीय रेलवे की स्थापना दिवस जो है यहाँ पर 16 अप्रैल, भारतीय वायुसेना 8, थल सेना है 15, नौसेना है 4 और भारतीय तट रक्षा बल जो है ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा 1 फरवरी। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सारे के सारे बन जाएंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें माई ओन लिटिल वर्ल्ड ये बुक अभी लॉन्च हुई है तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन नंबर डी एम एस किमाया जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीवन। अगर हम यहाँ पर बुक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है द लास्ट 4 मिनट्स ये बुक है, ये यहाँ पर वीरा यहाँ पर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर ये बुक लिखी है रामचंद्रन ने। इसके अलावा लीडरशिप ये बुक लिखी है रितेश विग ने। इसके अलावा धवन अंडर द डोम ये बुक लिखी है यहाँ पर स्वाति पांडे और यहाँ पर आर्किड मुखर्जी ने। और एक्सक्लूज यहाँ पर एक्सक्यूजन ऑफ भगत सिंह ये बुक लिखी है यहाँ पर सतवीर सिंह जस ने। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर फिच रेटिंग वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 11% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 12.8 कर दी है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीवन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें फिच रेटिंग अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, स्थापना 1914 में थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सीईओ हैं ये है यहाँ पर पॉल टेलर, संस्थापक हैं जॉन नॉल्स फिच। इंपोर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन। हिंदी के उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 अभी दिया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो व्यास सम्मान है ये यहाँ पर किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर शरद पगारी को। अच्छा यहां पर ये जो पुरस्कार है यहां पर ये इन्हें यहां पर दिया गया है जो कि इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए यहां पर दिया गया है। GNCTGD जो है यहां पर अमेंडमेंट बिल जो है ये राज्यसभा में पास हुआ, इसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? नई दिल्ली से। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है दिल्ली जो है यहां पर इसके लिए यहां पर लॉन्च किया गया है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, उपराज्यपाल अनिल बैजल है और यहां पर महिला शासिका है रजिया सुल्तान। गुलामी और ट्रांसलेटिंग दास व्यास के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 25 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबर ऑफ विक्टिम ऑफ स्लेवरी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और इस बार की इसकी थीम याद रखना एंडिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ यहां पर रेसिज्म, एक ग्लोबल
इम्प्रेसिव फॉर जस्टिस, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है यहां पर। तो सो एवरीवन, सो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैं इस बार आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो जल्दी से सभी लोग है ना वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। और हाँ, जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।